न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सतीश यादव जी हैं जो हमारे जिला प्रमुख सूरत जिला प्रमुख थे, उन्होंने कल बयानबाजी की है राव साहब के बारे में। अगर वो राव साहब के इतने ही सच्चे हितैषी थे तो वो जनता के बीच में जाकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना सक्रिय बढ़ाएं, ना कि बंद कमरे में बैठकर झूठी बयानबाजी करें या झूठी आलोचनाओं में जनता को कभी भी स्वीकार नहीं होती। उसका जवाब तो क्षेत्र के एक जनता इस बात का गवाह है, जिस नेता को पांच बार सांसद बना दिया है, चार बार एमएलए बना दिया है, वो तो जनता के बनाए हुए हैं। एक दिन तो राव इंद्रजीत सिंह उनके राजनीति के आका हुआ करते थे, आज वो इतने विरोधी हो गए इनके। जो करोड़ की परियोजना से जो एम्स बनने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत के लिए है। उस वीडियो में स्पष्ट राव इंद्रजीत बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो मणिठी में एम्स की घोषणा नहीं करनी थी, और घोषणा कर दी तो उसको अमलीजामा पहनाओ, और अमलीजामा नहीं पहनाते हो तो भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बीते दिन रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव द्वारा शहर की दुर्दशा को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद निवर्तमान जिला प्रमुख शशि बाला, इंसाफ मंच के पदाधिकारियों व राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों ने पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह निराधार और सतीश यादव की चुनाव में बार बार हो रही हार की बौखलाहट बताया और कहा कि सतीश यादव पद और सत्ता की लालसा में बंद कमरे में बैठकर झूठी बयानबाजी देना बंद करें। राव समर्थकों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोलकर सतीश यादव अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सतीश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आखिर किसकी उंगली पकड़कर की थी। उन्होंने सतीश यादव से सवाल किया कि राव इंद्रजीत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले सतीश यादव के लिए आखिर राव साहब इतने विरोधी कैसे हो सकते हैं, और अगर सतीश यादव जनता में इतने ही लोकप्रिय हैं तो बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं। राव समर्थकों ने कहा कि सतीश यादव को यह पता होना चाहिए कि राव इंद्रजीत सिंह की छवि बिगाड़ना किसी आम आदमी के हाथ में नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं, और जनता भी यह भलीभांति जानती है कि क्षेत्र का भला केवल राव इंद्रजीत सिंह ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह वो नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी दबंगता से इलाके की वकालत करने से नहीं चूकते, और चौधरी देवीलाल की तरह राव इंद्रजीत सिंह ही वो शख्सियत है जिसकी विरोधी भी सराहना करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने इलाके की दुर्दशा के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार बताया था। उसी के जवाब में राव समर्थकों ने आज ये पलटवार किया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्षेत्र के एक जनता इस बात का गवाह है, जिस नेता को पांच बार सांसद बना दिया है, चार बार एमएलए बना दिया है, वो तो जनता के बनाए हुए हैं। और रही बात मैं सतीश भाई साहब की, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमारे बड़े भाई है, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक दिन तो राव इंद्रजीत सिंह उनके राजनीति के आका हुआ करते थे, आज वो इतने विरोधी हो गए इनके, जो तो वो अपने आप को राव इंद्रजीत के खिलाफ बोल करके अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अहिर कॉलेज का मुद्दा उठाया था कि राव साहब ने जो पाटोदा के अंदर जो रैली किया था और शहीदों का सम्मान रैली थी, वो उस रैली के दौरान राव साहब ने इतना स्पष्टीकरण देना चाहा था कि मैं शहीदों की रूह के सामने खड़ा होकर के कहता हूं कि अहिर कॉलेज में एक लेस मात्र कोई बेईमानी नहीं है। हमने जनता को, क्षेत्र को शिक्षा देने के लिए हमने स्कूल चलाया है, ना कि रोजी रोटी के लिए, ना कि कमाने के लिए। मैंने अपने 22 साल के राजनीति के जीवन काल के दौरान मैंने दो ऐसे नेताओं को देखा है जिन्हों को विरोधियों ने भी सराहा है, या तो चौधरी देवलाल थे, उनको भी विरोधी ने भी उनकी सराहना की है, या राव इंद्रजीत है। राव इंद्रजीत के बारे में आज विरोधी भी कोई नेता है, विपक्ष का भी नेता है, वो भी एक बात कहता है कि राव इंद्रजीत बेदाग छवि के नेता हैं, कि मणिठी की माजरा की पांव धरा पर जो हजारों करोड़ की परियोजना से जो एम्स बनने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत के लिए है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास एक 1.5 मिनट का वीडियो है राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत दबंगता के साथ पेश हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, और उन्होंने दो टूक अपनी बात रखी है, मजबूत वकील बनकर के वकालत रखी है। उस वीडियो में स्पष्ट राव इंद्रजीत बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो मणिठी में एम्स की घोषणा नहीं करनी थी, और घोषणा कर दी तो उसको अमलीजामा पहनाओ,
और अमली जामा नहीं पहनाते हो तो भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इतनी मजबूत दबंगता के साथ अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने अगर किसी ने बात रखी है वो इसे अहिरवाल की आन बान शान राव इंद्रजीत ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का काम किया है। जो आज हजारों करोड़ की परियोजना एम्स जो है हरियाणा के माजरा के पावनधरा पर अभी उसकी शिलान्यास होने वाला है। सतीश यादव जी हैं जो पूरा जिला प्रमुख है, उन्होंने कल बयानबाजी की है राव साहब के बारे में। अगर वो राव साहब के इतने ही सच्चे हितैषी थे तो वो जनता के बीच में जाकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना सक्रिय बढ़ाएं, ना कि बंद कमरे में बैठकर झूठी बयानबाजी करें या झूठी आलोचनाओं में जनता को कभी भी स्वीकार नहीं होती। राव इंद्रजीत सिंह हमेशा इलाके के लोगों की भलाई उन्होंने लड़ी है। इस क्षेत्र में उनके मुकाबले का कोई भी शक्तिशाली नेता नहीं है। उन्होंने अपना जीवन क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है, इसलिए सतीश यादव जैसे जनाधार वहीन लोगों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, जो लोग राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जैसे सतीश जिला प्रमुख को, ऐसे लोग अपना राजनीतिक छवि को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक छवि सुधारने के लिए गद्दा और नेता की बुराई छवि को खराब करना, बगावत करना, छवि को धूमिल करना, ऐसे लोगों का क्या विचार है ये अपने स्वयं जाने। ऐसे लोग जो अपनी गिरवान में जाग के देखें कि राजनीतिक करियर हमने कहाँ से शुरू किया, ऐसे गद्दा और नेता की उंगली पकड़ के हम राजनीति में चलना सीखा, और जिन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक गुरु की भाषा रखी कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, तो गुरु तो गुरु ही होते हैं, क्या वो शिष्य हो गए? सत्ता की लालसा के कारण भी रावजीत सिंह हमें कोई होता दे पॉलिटिक्स में आगे लाएं या आगे बढ़ाएं, उनको जिला प्रमुख बनाया राव इंद्रजीत सिंह ने बनाया, आगे नहीं चल पाए, उन्होंने अपनी छवि सुधारना उनका अपना दायित्व तो बनता था, राव इंद्रजीत सिंह ने उनको ये होता सौंपा। आज वो कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने विकास कार्य में शहर ने चाहे वो धारोड़ा हो या कहीं पर कोई विकास कार्य नहीं किया, राव इंद्रजीत सिंह हमारे जन्म से पहले राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने 5 बार MP के चुनाव जीते हैं, 4 बार MLA के भी चुनाव जीते हैं, तो क्या ऐसी धूमी छवि ऐसे विकास ना करने वाले नेता को एक बार जनता भूल कर सकती है, 2 बार जनता भूल सकती है, तो क्या बार बार ऐसी गलतियां जनता नहीं कर सकती? अपने क्षेत्र में जो भी इन्होंने ठोस कार्य किए, जो भी किया पॉलिटिकल या स्कूल का या एम्स का मुद्दा चला, जैसे भी किए विकास कार्य हुए, इतने लंबे पीरियड में धीरे 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 काफी विकास किया है, जनता कोई भी ऐसी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझदार है। इलाके की साफ छवि रखना, राव इंद्रजीत सिंह की 3 पीढ़ी की राजनीति चल रही है, आज कोई दोबारा गांव के चुनाव पंच सरपंची का लड़ो तो भी नहीं जीत सकता, तो कोई ना कोई जनता के दिमाग में कारण है कि हमारा इस इलाके का भला हो तो राव इंद्रजीत सिंह ही कर सकता है। एक कॉलेज का मुद्दा उठाया सतीश जी ने, निराधार निर्धार बन निकला, लोग सेवा छवि खराब करके कि बड़े नेता की बगावत करके हम अपने आप को बड़ा होता दिलवा, ऐसे नेता जो ये ऐसे लोग जो ये कहना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जनता का विकास करने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और फिर स्वयं अपने आप को चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसा इनके पीछे क्या कारण छुपा है? इंद्रजीत सिंह की छवि को बिगाड़ना आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ भाषा बोल सकते हैं। इंद्रजीत सिंह जब जब इलाके को जरूरत पड़ती है और 24 घंटे जनता के बीच में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो।